नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत का लेबर लो आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि खाना बन गया तो उसको खाने का तरीका भी आना चाहिए ना। आप जॉब आपको मिल रहा है उसके तौर तरीके आपको कानून जानना ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो। अगर चीटिंग होने की संभावना हो तो आप किस तरह से बच सकते हैं, क्या आपको कानूनी अधिकार मिलते हैं, विदेश की धरती पे आपके लिए कानून बनाए जाते हैं। ये मत समझना कि आप इंडियन हो, इंडियन तक सीमित हो, वहाँ जाने के बाद आपके कानून समाप्त हो जाते हैं। नहीं, वहाँ जाने के बाद भी आपके कानून बने रहते हैं, कानून आपके लिए पहले से बनाए गए हैं, लेकिन उनको जानना, आपको समझना आपकी ज़रूरी है, आपकी मजबूरी है। अगर आपको किसी बात का पता ही नहीं होगा तो भाई आपको कोई भी लात मार देगा, आपको पता ही नहीं होगा अगले ने लात मार दी तो हम उसको बदले में क्या रिएक्शन दे, समझ रहे हो। लात ऐसे कर ली, ऐसे बस ठीक हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुवैत लेबर लॉ के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की छुट्टी से रिलेटेड शिकायत होती है। जी हाँ, छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, बाहर दूर दराज में आप काम कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता फ्राइडे की छुट्टी होती है, लेकिन वो बोलते हैं जी नहीं जी फ्राइडे को काम करना पड़ेगा, 30 दिन की तनख्वाह हम आपको 150 KD देंगे, 200 KD देंगे। जबकि होता क्या है, छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हो तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट छुट्टी भी आपकी होती है जिसको पब्लिक हॉलीडे बोल सकते हैं, आपको पता नहीं होता। इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, आगे भी हम कुवैत का लेबर लॉ से रिलेटेड रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। आपको जानना जरूरी है, चाहे इंडिया में बैठे हो चाहे आप कुवैत में बैठे हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको रोज गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही एडवाइस मिलती रहे। होता क्या, एक्चुअल में मान लीजिए कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, हालांकि बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, छोटी मोटी कंपनियों में या आप कफील के पास वगैरह वगैरह कहीं पर भी काम करते हैं, स्टाफ आपको छुट्टी मंजूर नहीं करता, स्टाफ छुट्टी कर लेता है, आपको बोलता है जी आपको ऑफिस खोलनी है। ऐसा होता है, इंडिया में भी आपने देखा होगा, बड़े साहब नहीं आए, वर्कर को बेचारे को जाके ऑफिस बैठना पड़ता है, उसको सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलती, छुट्टी के दिन ऑफिस खोल रहा है, फिर भी उसकी मजबूरी हो जाती है। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आपको पता है गल्फ कंट्रीज में फ्राइडे की छुट्टी होती है, बहुत जगह काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं सर फ्राइडे की जगह आप दूसरी छुट्टी कर लो, फ्राइडे को आपको ऑफिस खोलनी पड़ेगी। कई जगह ऐसा हो जाता है पब्लिक हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे समझते हैं सरकारी छुट्टी, उसमें आपको बोल दिया जाता है ऑफिस खोलना पड़ेगा, आपको ऑफिस में जाइए, आपकी छुट्टी नहीं है। उस दौरान आपको नहीं तो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, नहीं एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, नहीं कुछ आपको और सुविधाएं मिलती हैं। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आपका कानूनी अधिकार क्या है, कुवैत लेबर लॉ से रिलेटेड हम बात करेंगे। कुवैत का जो लेबर लॉ है, मैं बता दूं 68 एक्ट में ये साफ साफ प्रावधान बताया गया है। इस एक्ट में ये बताया गया है कि ये लेबर की अधिकारों की सुरक्षा करता है और अधिकारों की छुट्टियों के बारे में गणना करता है कि भाई इस एक्ट में आपको ये छुट्टियां मिलेगी, इतना बोनस मिलेगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ों का इनका एक्ट इस एक्ट में बता दूं आपको 68 के एक्ट में बताया गया, और इसमें साफ साफ ये बताया गया, मैं बता दूं इस एक्ट में 68 लेबर लॉ 68 एक्ट के अंदर, अगर मान लीजिए आप छुट्टी के दिन काम करते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए आज की छुट्टी है, एग्जांपल के तौर पे सरकारी छुट्टी है, लेकिन आपका आपका मालिक आपका कंपनी आपका बोलता है कि आपको ऑफिस खोलना है, आप भी चलो सोचते हो यार चलो बैठे तो ऑफिस खोल लेते हैं, क्योंकि आप विदेश की धरती पे जॉब कर रहे हो, तो आपके मन में ऐसा हो जाता है। लेकिन उस दिन की आपको तनख्वाह भी नहीं देते हो, क्योंकि वो तो सरकारी छुट्टी है, वो तो माइनस में आ जाता है, लेकिन मैं बता दूं उस दिन की सैलरी प्लस मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी इस एक्ट में बताई गई है। जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं वो कंपनी हो या मालिक हो या नियुक्ता हो उसकी, जी हाँ, मतलब बता दूं दुगुनी सैलरी इस एक्ट में बताई गई। आपके साथ ऐसी घटना हो, कुवैत में बैठे हैं, तो भाई आप दुगुनी सैलरी की मांग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके एग्रीमेंट में पहले से मेंशन होती हैं, लेकिन इंग्लिश में होता है, आप कौन पढ़ते हो, कहाँ किसी को टाइम मिलता है भाई। एग्रीमेंट की कॉपी पास में बता दूं, कुवैत का लेबर लॉ एक्ट है 68, इसमें साफ साफ प्रावधान किया गया कि छुट्टी के दिन अगर आपसे कोई काम करवाता है तो सैलरी है वो तो वही है, उसके अलावा डबल सैलरी आपका हक बनता है लेने का। अगर फिर भी आपको कंपनी आनाकानी करती है, नाटक करती है, तो कंपनी के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण पर आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। वहां का जो मंत्रालय, मैं बता दूं, वहां पे सार्वजनिक प्राधिकरण संस्था में जाके आप उसको मामला दर्ज करवा सकते हैं कंपनी के खिलाफ में कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई, मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं, छुट्टी के दिन अग्रीमेंट साथ में आपके पास होना चाहिए, छुट्टी के दिन आपने वहां पे जॉब किया वो एविडेंस भी आपके पास होना चाहिए, तो आपका 100% आपकी कंपनी को आपके नियुक्ता को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। बस आज की जानकारी छोटी सी यही थी साथियों, कुवैत से रिलेटेड लेबर लॉ हम आगे भी रोज अपडेट आपको बताते रहेंगे, और मेरा टारगेट है कम से कम कुवैत के लेबर लॉ पे लगभग 500 वीडियो बनेंगे आने वाले टाइम पे। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको रोज दुबई कुवैत से लेबर लॉ से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपको
फायदा हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कोई चीटिंग न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।